सो हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रुद्र उपरे। और भाई कैसे चल रहा है आप सबका अभी स्टडी वडी सब कुछ ओके ना? सो आज मैं आया हूँ आपके साथ हाउ टू कैच रेयर पोकेमॉन और एक पोकेमॉन गो गेम प्ले लेके। ओके सो अभी गेम हो रहा है शुरू, तब तक के लिए वेट कराओ। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करो गाइस, जल्दी से। ओके हमें इसको जल्द से जल्द 1.5K तक लेके जाना है क्योंकि हमारा नेक्स्ट Q&A 1.5 to 1.5K पे आने वाला है। एंड अभी तक आपने इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं किया तो जल्दी से फॉलो करो जल्दी। ओके एंड देन अगर आप मेरे वीडियो को वॉच करते हो इंस्टाग्राम पे स्टोरी डालोगे तो मैं आपको जल्दी से मेंशन करूँगा और उस पर लिख भी दूंगा कि इस अकाउंट को फॉलो करें। ओके सो अभी वीडियो देखिए, एंड तक देखना प्लीज़ गाइस, इससे आपको बहुत मज़ा आएगा। और लास्ट में मैं बताऊंगा कि हमारा नेक्स्ट वीडियो क्या होने वाला है और क्या नहीं। ओके वॉच नाउ। ओके सो भाई गेम हो गया है स्टार्ट और हमारे प्रोफेसर हमको कुछ नियम बता रहे हैं। तो सबसे पहले हमें उसको मतलब सुनना होगा। और हमें एक बात का आप हमेशा ध्यान रखिए कि पोकेमॉन गो आप अगर बिना स्पूफ किए खेल रहे या फिर स्पूफ किए हुए भी खेल रहे तो डेंजर एरिया में बिल्कुल मर जाना गाइस, इट्स रिक्वेस्ट। और पोकेमॉन गो भी ये कहता है, इसमें एवरीडे टास्क रहता है, अगर आप वो टास्क कंप्लीट करते हो तो आपको एक मतलब एक मिस्ट्री बॉक्स मिलेगा और उसमें अलग अलग आइटम्स होंगे अपने पोकेमॉन गो के खेलने के लिए, मतलब पोके बॉल्स, वो सुपर पोशन, हाइपर पोशन और ऐसी कुछ चीज़ें। और आप एक ध्यान रखिए, मतलब रोज़ जब भी आप अपने पोकेमॉन गो को ऐप को ओपन करें तब अपने बड़ी को, मतलब वो जो हमारे साथ इधर रहता है ऑप्शन, आपको पता होगा अगर आप खेलते हो तो, बड़ी को रोज़ खाना दीजिएगा, इससे आपके पॉइंट्स भी बढ़ेंगे और आपको अच्छा भी लगेगा। ओके एंड वीडियो को लाइक करना जल्दी करो भाई, वीडियो को लाइक करो। ओके सो ओके सो अभी है ना आजकल कुछ अलग मतलब एक इवेंट चल रहा है, वो बीड ऑफ इवेंट। सो अभी इसमें और हर तरफ एकदम ओनली बीड ऑफ दिखाई दे रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा कि इधर मैं जहाँ देखूँ उधर बीड ऑफ है। और अगर मैं रेयर पोकेमॉन्स में जाता हूँ तो भी वहाँ बीड ऑफ ही दिखेंगे आपको। और ये देखिए अभी हम फाइट करने वाले हैं पोकेमॉन गो से, ग्रांड से। तो बैटल तो मेरे स्नोरलैक्स अभी थोड़ा वीक है तो अभी उसको पहले हमें चूज करना होगा, उसको सुपर पोशन या फिर पोशन देना होगा। तो अभी वो हम देते हैं स्नोरलैक्स। ओके आपको आप मुझे कमेंट में बताया कि आपका फेवरेट पोकेमॉन कौन है। ओके तो मैं उस पर और थोड़ा फोकस करके बनाऊंगा नेक्स्ट टाइम वीडियो। तो अभी हम जल्दी से फटाफट हमारे पोकेमॉन चूज करते हैं। तो मैंने चूज किया है क्या वेनासोर एंड गैराडॉस एंड वेपरॉन। ओके सो वॉच नाउ कि वेपरॉन गया और ये हमारा आ गया है इधर छोटा सा बेडू। तो जल्दी फाइट कीजिए, वाह हमारा वेपरॉन एकदम तेजी से उस पर फाइट करते हुए जल्दी जल्दी, और बेडू की ताकत एकदम ख़त्म हो रही है और वो जल्दी से ख़त्म हो गया। ओके तो अभी आ गया है दूसरा बेड, वो भी जल्दी से ख़त्म हो रहा है। और ये हमारा हाइड्रो पंप आ गया तो जल्दी से स्विच करिए, उसे स्वाइप करिए और ग्रेट और हमारा बेड गया। तो हमारे टीम पोकेमॉन गो के हम दूसरा पोकेमॉन हमने आउट कर दिया। अब थर्ड की बारी, तो बेड़ों की हालत एकदम ख़राब, वेपरॉन की भी थोड़ी ख़राब हो रही होती जा रही है, लेकिन हमारे वेपरॉन ने बेड़ों को हरा दिया। तो अभी पोकेमॉन गो में टीम रॉकेट एकदम हमारी एकदम हमसे हार गई है और हम जीत गए हैं। ओके सो गाइज सपोर्ट कीजिए, वीडियो में कमेंट कीजिए आपको क्या अच्छा लगा क्या नहीं, और वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब लाइक शेयर सब कर देना, आपको पता ही है लेकिन आप करते नहीं हो। ओके तो अभी हमको रिवॉर्ड में उसको टीम पोकेमॉन का एक पोकेमॉन रेस्क्यू करना होता है, एक मतलब वो जो फर्स्ट पोकेमॉन चूज करते हैं वो पोकेमॉन हमको रेस्क्यू करना होता है।
आई मीन उनकी देखभाल कैसे आगे आगे आपको पता चल जाएगा हमें उसका क्या करना होता है। ओके तो हमने उसको कैच कर लिया है। एंड अगर आपको साइड साइड में ये दिख रहे होंगे दूरबीन में, तो वो हमारे टास्क होते हैं और वो हमको फिनिश करने होते हैं एवरी डे, मतलब उसके शेड्यूल के हिसाब से। ओके सो अभी ये देखिए मैं अपने रिसर्च में आ गया हूँ और ये स्पेशल रिसर्च में, तो आप देख पा रहे हैं यू थ्री बेरीज टू कैच पोकेमॉन। और ये देखिए आप फील्ड में अगर आप उसमें से रोज़ एक टास्क कंप्लीट करेंगे तो आपको एक स्टैम्प मिलेगा, और अगर वो आप 7 स्टैम्प कलेक्ट करेंगे तो आपको मिस्ट्री बॉक्स मिलेगा डेली। डेली मतलब हफ्ते में एक बार मिस्ट्री बॉक्स मिलेंगे मिलेगा अगर आप रोज़ वो स्टैम्प कलेक्ट करते हैं। ओके होप कि आपको समझ आ गया होगा कि वो स्टैम्प कैसे कलेक्ट करते हैं और मिस्ट्री बॉक्स कैसे विन करते हैं। ओके सो हमें एक वीडियो कैच कर लिया और बाजू में देखिए हमारा एक टास्क कंप्लीट हो गया है। अभी हम ऐसे टास्क कंप्लीट करते जाएंगे। देखिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, आईडी है @uprerudra999। लाइक वीडियो, कमेंट, शेयर। सो गाइस कीजिए वीडियो को एंजॉय। अगर आपको मेरा गेम प्ले पसंद आ रहा हो तो लाइक करना मत भूलना, और अभी आप गेम प्ले एंजॉय कीजिए, मिलता है आपको थोड़ी देर में। ओके लाइक नाउ। ओके सो गाइस अभी आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे मैंने टास्क कंप्लीट कर लिए और मुझे मेरा रिवॉर्ड मिलने वाला है। सो ऐसे ही आपको डेली टास्क कंप्लीट करके आपको रिवॉर्ड अर्न करना है पोकेमॉन गो में, और स्पूफिंग में तो एकदम आसान है। अगर आपके पोकेबॉल्स ख़त्म हो गए तो आप पोके स्टॉप पे जाके जल्दी से तुरंत कुछ ना कुछ भी ले सकते हैं। ओके ना, मतलब जो पोकेमॉन गो पहले से खेलते हैं उनको पता होगा कि पोकेमॉन गो इन प्ले स्टोर में मतलब विदाउट स्पूफ जो गेम होता है उसमें पोकेमॉन और वो आइटम्स मतलब वो जो सुपर पोशन पोकेबॉल्स वो अर्न करना कितना मुश्किल होता होगा, और अपने डेली टास्क कंप्लीट करना कितना हार्ड है। आप मतलब जो पहले खेलते थे विदाउट स्कोप उनको पता होगा। ओके अगर हाँ तो गाइस मैं ये कह रहा था, अगर आपने मेरी वो कुकिंग वाली वीडियो नहीं देखी तो इधर आई बटन पे क्लिक करके जल्दी से देख लीजिए, आप वो उसमें पता चल जाए कि आपको पोकेमॉन गो स्कूप करके कैसे डाउनलोड कर लेना है और उसके क्या क्या रूल्स और रिजोल्यूशंस है, वो क्या आप सबको वो पता चल जाएगा उस वीडियो में। और एक बात मुझे समझ आ गई है भाई, इस म्यूज़िक के बिना मतलब अभी जो बैकग्राउंड में म्यूज़िक चल रहा है उसके बिना वीडियो का मज़ा नहीं आता, एकदम थ्रिल। सो नो कॉपीराइट म्यूज़िक का उनको मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा कि उन्होंने इतने अच्छे अच्छे म्यूज़िक हमारे लिए बनाए, हमारे ऐसे क्रिएटर्स के लिए फ्री में वो करते हैं काम। बस
आपको डिस्क्रिप्शन में उनको क्रेडिट देना होता है और कुछ नहीं। सो एन्जॉय अवर गेम नाउ। तो आप मेरे डिस्प्ले पे देख पा रहे होंगे मैंने एक हैच करके इतना वॉक किया है। आप जितना वॉक करोगे उतना आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे, मतलब आपको स्पूफ करके वॉकिंग करना है। इट्स सिंपल, क्योंकि ये आपको एक डायरेक्शन में या फिर एट वॉक करके सिस्टम है वो भी आपको काम आएगा। मैंने मेरे पुराने वीडियो में, पोकेमॉन गो के पुराने वीडियो में बताया है कैसे एट वॉक करना है, और आप फेवरेट प्लेसेस मतलब टेलीपोर्ट कैसे कर सकते हैं,
ये अभी आपने मेरी स्क्रीन पर देख लिया है। और फेवरेट्स में जाके हॉट प्लेसेस पे जाके आप जिस लोकेशन पे जाना चाहे उस पर क्लिक करके टेलीपोर्ट का ऑप्शन दबा दीजिए, एकदम इजी है। सो अभी कमेंट कीजिए कि आपको मेरी इन्फॉर्मेशन और ये वीडियो कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत देना। ये देखो भाई इलेक्ट्रोलाइट आ गया है, इलेक्ट्रो वॉट एवर नाम में कन्फ्यूजन होता है क्योंकि अभी अभी इतना यू नो इतना मुझे पोकेमॉन गो के बारे में नहीं पता। अभी हाल ही में मैंने फिर से शुरू किया है इसको और ये इलेक्ट्रोलाइट भाग गया हमारा। इनसे में ऐसा होता है, भाग जाते हैं हर लोग को हमें समस्या में छोड़ के। ओके जस्ट किडिंग गाइस, सब्सक्राइब माय चैनल। सो आपको गेम प्ले कैसा लगा, ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके बता दीजिए। अभी मैं वीडियो को और ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। सो मैं बोलने वाला था लास्ट में कि हमारा नेक्स्ट वीडियो क्या होगा। सो गाइस पक्का पक्का हमारा नेक्स्ट वीडियो चैलेंज वीडियो होगा, ब्लाइंड फोल्ड चैलेंज। वो आपको अगले वीडियो में उसका परफेक्ट मीनिंग और टॉपिक पता चलेगा। एंड और अब आपने बोला है कि 1.5K पे मुझे Q&A वीडियो शूट करना है। सो उसके लिए आप अभी से मुझे क्वेश्चन भेजना स्टार्ट कर दो, क्योंकि हमारा ह्यूज Q&A वीडियो 20 मिनट्स का होगा और उसमें जो क्या क्या करना है वो मैंने अभी से फिक्स कर लिया है। ओके सो थैंक यू गाइज, आप मुझे इतना सपोर्ट्स कर रहे हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। आप अपना ख्याल रखिए इस पैंडमिक में, स्टे सेफ स्टे हेल्दी। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।